पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे और इससे पहले चंडीगढ़ पहुंचने पर मनीष सिसोदिया ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। सक्रियता बढ़ा रही है, इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिसमें उन्होंने जनता के साथ एक और गारंटी का वादा किया था। और आज भी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के दौरे पर ये दोनों नेता पहुंच रहे हैं और जनता से एक और गारंटी का वादा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि महिलाओं से जुड़ी हुई ये गारंटी हो सकती है, जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी ने किया है। दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में सत्ता की राह को आसान बनाने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी लगातार अपनी सक्रियता को बढ़ा रही है। न सिर्फ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कई बार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और जनता से जुड़ी हुई कई योजनाओं को लेकर गारंटी भी दे चुके हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल प्रदेश के दौरे पर होंगे और इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस दौरे को लेकर जानकारी दी है। तो चंडीगढ़ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश के दौरे की इस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी। चल के दौरे पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर जिस तरह से शिक्षा के काम की, स्वास्थ्य के काम की बहुत सख्त ज़रूरत है, हिमाचल के लोग बहुत बेसब्री से एक ऐसी सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं जो लोगों को गारंटी दे के कह सके कि हमें वोट दो और 5 साल के अंदर अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य में, रोजगार में, महंगाई से लड़ने में हिमाचल को ऐसा बना देंगे जैसा 75 साल में कभी किसी सरकार ने नहीं किया, जैसे दिल्ली में काम हुए, जैसे पंजाब में होने शुरू हुए बहुत शानदार काम, वैसे ही हिमाचल में काम होंगे। सारा चेक कर लिया, उसके बाद क्लीन चिट मिल गई है मुझको, चाय की जीत होती है। थैंक यू।